दोस्तों नमस्कार। एसएससी एमटीएस भर्ती 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन में जो एक एक बात बताई गई है वो आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि आपको इस नोटिफिकेशन का पूरा अध्ययन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये नोटिस एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आज 22 अप्रैल 2019 को जारी किया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरे नोटिफिकेशन का अध्ययन। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑन जरूर कर देना, ताकि एसएससी एमटीएस भर्ती जुड़ी पल पल की अपडेट जो भी खबर हो वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस है ये आज 22/4/2019 को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हुआ है। अब इसमें क्या बताया गया है जरा वो देख लीजिए। सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 नॉन टेक्निकल। अब सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों इस भर्ती का नाम है एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। इसका मतलब आपको कई काम करने पड़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, उनके अंदर कई काम करने पड़ते हैं। जैसे पानी पकड़ाना, कुछ फाइलों का काम कर लिया, आपको नॉर्मल छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं जैसे कि आप अपने घर में करते हो। तो दोस्तों एमटीएस की भर्ती में आपका कोई एक फिक्स काम नहीं है कि आपको यही काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे अनेक काम है वो आपको किसी सरकारी दफ्तर में या ऑफिस में करने पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों अब इसका नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट। तो दोस्तों 22/4/2019 है यानी आज से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है 29/5/2019 यानी कि 29 मई तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप। फिर दोस्तों यहां पर देखिए इसमें नीचे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि रिटर्न एग्जाम की तारीख बताई गई है। तो एसएससी एमटीएस में दो एग्जाम होते हैं, एक तो टीयर फर्स्ट, एक टीयर सेकंड। तो दोस्तों टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा, उसका सिलेबस भी हम आपको बताएंगे। इस एग्जाम की डेट है 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। इसके अलावा टीयर 2 एग्जामिनेशन जो कि आपका लेखन का होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, जैसे मान लो लेटर लिखना पड़ गया, प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों ये एग्जाम आपका 17/11/2019 को यानी 17 नवंबर को होगा। अब हम आपको नीचे इसमें जो जानकारी दी गई है वो बता देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बताया है वैकेंसीज की वैकेंसी कितनी है। तो यहां पर बताया गया है कि वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्सेज, अपडेटेड वैकेंसी विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यह है कि वैकेंसियां कितनी है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी जल्द ही जारी करेगी, एक बार आप आवेदन कर दीजिए। वैसे दोस्तों आपको बता दें 10,000 से अधिक वैकेंसियां इसमें होने वाली है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और इसमें जो जानकारी दी गई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंडिया के लिए भर्ती है, इंडिया में किसी भी राज्य से अगर आप हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों बताई गई है एज लिमिट। एज लिमिट दोस्तों 18 से 25 साल है, इसकी गणना 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। 1 अगस्त को आपकी आयु कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 साल हो। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से इसके बाद में 1 अगस्त 2001 इसके बीच में या इन तारीखों को है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आयु में देखें नीचे छूट बताई गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट, यानी कि ओबीसी के लिए आयु 18 से 28 और एससी एसटी के लिए आयु 18 से इसके बाद में आपकी 30 वर्ष है। तो दोस्तों यहां पर अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास है, मात्र अगर 10वीं पास आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2019 से पहले कंप्लीट होनी अनिवार्य है, ठीक है। यानी अगर इस बार भी आपने 10वीं की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1 अगस्त से पहले आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब दोस्तों हाउ टू अप्लाई बताया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है तो वो तो हम आपको कर बताने वाले हैं। वैसे वेबसाइट है ssc.nic.in। इसके बाद में नीचे दोस्तों एप्लीकेशन फीस बताई गई है, एप्लीकेशन फीस आपकी मात्र 100 रुपया रखी गई है, आपको 100 रुपया इसमें चालान के रूप में देना होगा आवेदन करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपकी एग्जाम अगर मान लो यहां पर सीआर रीजन से है यानी कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आपकी एग्जाम इन सेंटर में से कहीं पर भी हो सकती है। वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कहां पर अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, लेकिन
एग्जाम सेंटर में आपको ये ऑप्शन मिलने वाले हैं, जिस प्रकार से झांसी, मेरठ, आप ये देखते हैं लखनऊ, ठीक है, आगरा, ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। हर राज्य के अलग अलग यहां पर दिए गए हैं। अगर आप इन राज्यों से आते हैं तो ये सारणी है पूरी, ये आप यहां पर वीडियो को रोक कर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है सिलेबस की और सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल आसान है, दो एग्जाम होंगे, फिजिकल आपका इसमें नहीं होता है। पहला एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का होगा जो आम भर्तियों में होता है, दूसरा एग्जाम लेखन का होगा यानी उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला एग्जाम है वो आपका सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों आपके टोटल यहां पर देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 25 नंबर के तो दोस्तों इंग्लिश आती है, 25 नंबर के आपकी रीजनिंग आती है, 25 नंबर के न्यूमेरिकल एटीट्यूड यानी मैथ टाइप में आता है, फिर 25 नंबर के आपकी जनरल अवेयरनेस यानी जीके और इसमें आपकी करंट अफेयर शामिल है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए पूरे पेपर में। इस हिसाब से दोस्तों आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का, ये देख लीजिए 90 मिनट टाइम मिलेगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 100 नंबर के। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी और जानकारी। रिटन एग्जाम फेस्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हो, करने वाले हो, तो आप जीके की इस ईबुक को डाउनलोड कर लो। ये हमने आपके लिए स्पेशल जीके की और जनरल साइंस के 1000 से भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की है। आप ये पीडीएफ पढ़ लो, आपके एसएससी एमटीएस में 25 नंबर लगभग तय हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन कोई भी फिर नहीं रोक सकता। ये पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से डाउनलोड करो और पढ़ने में लग जाओ। तो दोस्तों इसमें पहले एग्जाम में आपकी रिटन नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको एक नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 नंबर कटेगा। और दोस्तों इसके बाद में नीचे यह बताया गया है कि इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों लैंग्वेज में आएंगे, जो भी भाषा आप चुनना चाहें वो चुन सकेंगे और उसमें पेपर कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है पेपर 2, यह आपका लिखित एग्जाम होता है। इसमें आपको दोस्तों 50 नंबर मिलते हैं, इसके नंबर भी दोस्तों आपके आपकी कट ऑफ में जुड़ते हैं। आपकी कट ऑफ इस प्रकार से रहती है, टोटल आपके 150 नंबर रह गए, आपको पता है 100 नंबर पहले पेपर के और 50 दूसरे के। तो पहले आपका पहला एग्जाम होगा, फिर उसकी कट ऑफ रह जाएगी कि ये कट ऑफ रही है, फिर दोस्तों अगर आपका उस कट ऑफ में नंबर आया तो आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, फिर जो नंबर आपके सेकंड पेपर में आएंगे वो आपके पहले पेपर के नंबर के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। मान लो आपने पहले पेपर में 100 में से 80 नंबर लिए थे और दूसरे में आपने 50 में से 30 नंबर लिए, तो आपके टोटल नंबर 110 हो गई। अब आपके 150 में से 110 नंबर हैं, तो अब आपकी कट ऑफ रहेगी 150 के अंदर से। जैसे मान लो 110 रह जाए, 120 रह जाए, वैसे 110 या 15 के आसपास ही रहती है। तो दोस्तों दोनों जो आपके पेपर हैं इनकी मिलाकर कट ऑफ आपकी इसमें रहती है। इसमें आपको दोस्तों रिटन एग्जाम का काम करना है। देखिए आपको मान लो को लेटर लिखना है और आपकी लैंग्वेज है वो हिंदी भी होगी, आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होंगी, आप किसी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में और इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में। इसके बाद में दोस्तों नीचे आपका इस सिलेबस बताया गया है, ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। एक एक सब्जेक्ट का इंग्लिश में आपके ग्रामर के टॉपिक आएंगे, नॉर्मल जो आप ग्रामर पढ़ते हो वही आएगी। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में वही टॉपिक है जो अन्य एग्जाम्स में आकृति, इसके अलावा आपका नॉर्मल देखिए जो आकृति में आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें त्रिभुज कितनी है, एनालिसिस, ये आपके वही टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला दोस्तों आपका है न्यूमेरिकल एटीट्यूड, इसमें आपका मैथ आप मान सकते हो। यहां पर दोस्तों देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका टॉपिक है, डिस्काउंट, यूज एंड टेबल्स, इसके अलावा आपका एवरेज, आपके दोस्तों वही जो टॉपिक है जो मैथ में होते हैं यानी ब्याज, समय, दूरी, चाल, देखिए रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। अगला आपका दोस्तों जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल अवेयरनेस में वही टॉपिक है भूगोल, संविधान, इसके अलावा आपकी जनरल साइंस के थोड़े क्वेश्चन होंगे नॉर्मल, करंट अफेयर्स के थोड़े क्वेश्चन नॉर्मल होंगे। इसके बाद में पेपर 2 की बात करें तो इसका सिलेबस भी आपको बताया गया है। इसमें आपको पत्र लिखवाया जा सकता है, प्रार्थना पत्र लिखवाया जा सकता है, कोई निबंध लिखवाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन फिलहाल आप रिटन एग्जाम में पहले की ही तैयारी कीजिए, जब पहले में पास हो जाओ तो फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करना। इसके बाद में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी इसमें होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखिए ये आपको जरूरत पड़ने वाली है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही देखा जाएगा। अगला आपका है पासवर्ड, स्कूल, इस प्रकार स्कूल आईडी कार्ड। तो दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के यहां पर लिस्ट देखिए बताई गई है, ये अगर आपके पास होंगे सही तो ही आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो सकेंगे, कोई फर्जी कागज है तो वो नहीं चलेगा। इसके बाद में दोस्तों यहां पर नीचे इसमें कुछ और जानकारी बताई गई है जो कि आपके बहुत ज्यादा
काम की नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया है आपका ऑनलाइन ही, यहाँ पर जो आपकी आंसर की वगैरह है उत्तर कुंजी सब ऑनलाइन ही एसएससी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो दोस्तों हमने देखिए पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ लिया है। अब अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बेशक आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपके मन में एक भी सवाल नहीं रहा होगा, आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दे दी गई है। और दोस्तों आवेदन किस प्रकार से करना है वो आपको अगले वीडियो में आज या कल बता दिया जाएगा, आप वो वीडियो देखकर अप्लाई कर सकेंगे। आपको साइबर कैफे पर जाकर 100 या 150 रुपए खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी की वेबसाइट का लिंक दिया गया है। जैसे आप एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपको यहां पर सबसे ऊपर ही ऊपर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस भर्ती की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। और दोस्तों स्टेट जॉब लाइन एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको पल पल की अपडेट हर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सबसे पहले हम उपलब्ध करवाते हैं। और स्टेट जॉब लाइन ने इस नोटिफिकेशन का अध्ययन भी सबसे पहले कर आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि इस भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आगे भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।